पर हम सबके लिए? ऑब्वियसली एक्चुअली मैं और माही हम लोग काफ़ी क्रिकेट पहले भी खेले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले थे और उसने देखा भी था सेमीफाइनल मैच में भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैंने लास्ट ओवर डाला था और मैंने सिर्फ 5 रन दिए थे लास्ट ओवर में और 2 विकेट भी किए थे। उससे पहले भी बहुत बार ऐसे टूर्नामेंट या डोमेस्टिक क्रिकेट में हुआ है मेरे साथ कि लास्ट ओवर मैंने डाला और अच्छा प्रैक्टिस में भी हम लोग इस तरीके से डालते थे तो उसको पूरा फेथ था। और T20 का एक तो फाइनल मैच वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पता ही है जिस तरीके से लोगों में इंटरेस्ट रहता है, क्रेज रहता है, तो लास्ट ओवर बचा था उस टाइम पे। और उससे पहले हरभजन और श्रीशांत को भी थोड़ा मिसबा ने अच्छी हिटें मार दी थी तो लास्ट ओवर बचा था, तो मैं एक ओवर मेरा बचा था और एक हरभजन का बचा था, तो मैं भी सोच ही रहा था कि भी धोनी मेरी तरफ देखे और मैं जैसे जाऊं तो बॉलिंग करूं। तो माही ने जैसे ही हाथ किया मैं दौड़ के गया, हम लोगों की यही बात हुई, माही ने बोला जो कि टेंशन नहीं लेना कि भी फाइनल मैच है, फाइनल ओवर है, हारेंगे तो मैं बैठा हूँ लेकिन 100% कॉन्फिडेंस से अपना बॉल डाल। तो मैंने भी ये कहा नहीं हारेंगे हम लोग, क्योंकि उनको जीतने के लिए अभी 13 रन बाकी है और हमें आउट करने के लिए सिर्फ एक ही बॉल बाकी है। वो रिजल्ट आपके सामने ही है, 2007 वर्ल्ड कप इंडिया जीती और उस 2007 वर्ल्ड कप के बाद ही आप देखिए कि T20 का क्रेज कितना बढ़ गया पूरे वर्ल्ड में। इतना फेथ था उन्होंने मतलब आप पे दिखाया और आपने ऑब्वियसली वो आपने कर दिखाया वो मैच जो फाइनल था, वो कैच जो था, डू यू थिंक दैट वाज आल्सो एक टर्निंग पॉइंट? टू बी फ्रैंक मैं बताता हूँ, जब कैच उठा और हम लोगों ने सबने देखा कि श्रीशांत था, मैं भी वहीं पर था, तो मेरे दिमाग भाई पकड़ लियो नहीं पकड़ेगा तो हम लोगों को फ्लाइट पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा लगा कि उसने कैच पकड़ा भी और फेथ था धोनी को मेरे ऊपर भी। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को खुद को अपने ऊपर भरोसा था। आपको उस ओवर की कुछ यादें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पहला बॉल जब मैं फेंक रहा था, पहला बॉल वाइड हुआ था, पहला ही बॉल वाइड हुआ था और वो वाइड जब हुआ तो सबको टेंशन हो रहा था, मेरे ख्याल से कमेंटेटर भी कह रहे थे कि मैं प्रेशर में हूँ, लेकिन जब वाइड हुआ तो मेरे को खुशी हो रही थी क्योंकि हम लोगों को टारगेट था कि जो वाइड का ऑफ स्टंप का वाइड का जो लाइन है उधर हम लोगों को यॉर्कर डालना है, लेकिन मैं उधर डालने का बहुत बहुत स्विंग हो रहा था। तो जब जिस क्लाइमेट में मतलब मेरे को बेसिकली मैं एक स्विंग बॉलर हूँ और जहाँ पर स्विंग होता है तो मेरे को कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा था। सेकंड बॉल डॉट बॉल था, उससे बॉल उसके नेक्स्ट बॉल पे मेरे को छक्का भी लगा था, लेकिन फिर भी मेरी और माही की यही बात हुई थी कि कोई बात नहीं, उसको एक रन दे के साइड करेंगे, दूसरे को आउट कर देंगे। तो उसने पहले ही वो स्कूप के लिए तैयार हो गया था। मेरा गॉड गिफ्टेड है कि जब मैं बॉलिंग करता था मेरा एक्शन ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा पोज होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, तो बहुत पहले ही वो पोजीशन में आ गया था और पहले भी हम लोगों ने देखा कि अच्छी शॉट खेलता हूँ। तो जैसे ही वो पोजीशन में स्पीड कम किया, लेंथ पीछे गया और रिजल्ट सबके सामने कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप चैंपियन हुआ। अच्छा, तो